क्या गलती थी उसकी, यह कि वो बेटी थी या फिर यह कि वह थक हार कर 36 घंटों की थकान मिटाने टेबल पर सर रख कर लेटी थी। क्या पता था उसे कि ये चंद पलों की नींद उसे हमेशा के लिए सुला जाएगी, कि एक दरिंदे की हैवानियत उसे हमेशा के लिए खा जाएगी। ममता का आंचल फैला कर माँ रास्ता देखती रह गई। पिता के आंखों का तारा थी वो, उसके आंखों से आज लहू की धार बह गई। हड्डियां तोड़ी गईं, शरीर नोचा गया, उसे हर तरफ से दबोचा गया। वो चीखी होगी ना, कितना रोई होगी। उसके हाथ की वो घड़ी जो बाबा ने दी थी वही बंद हो गई होगी। उसे क्या पता था कि इंसान का नकाब पहने दुराचारी हैवान घूमता है, जो दारू के नशे में किसी को मौत के घाट उतार कर झूमता है, कहता है लटका दो मुझे फांसी पर। ये सब सुनकर ना मेरी आत्मा चूर चूर हो जाती है। आखिर ये कैसा देश है जहां मोमबत्तियां जलाकर इंसाफ की भीख मांगी जाती है। अरे धड़ से अलग कर दो सर उसका, उसका हर अंग काट डालो कि वो चीखे उसकी भी निकलनी चाहिए, उस दर्द से सामना उसका भी होना चाहिए, कि हमारी कोई और बेटी इस हैवानियत का शिकार ना हो। ममता की ममता मर गई है। औरत को इंसाफ दिलाने के नाम पर खुद भीड़ में दुम दबाकर घुस गई है। इतना ही नारी सशक्तिकरण बताना है तो इंसाफ दिलाओ उस बेटी को जिसने अपना सब कुछ खोया है, उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की दौलत उनकी बिटिया खोई है। सत्ता की भूखी औरत, आंखें खोल के देखो, तुम्हारे देश की बेटी निर्जीव निर्वस्त्र हुए लेटी है। जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक औरत है, वहां इंसाफ की गुहार क्यों लगाई जा रही है? न जाने अब सत्ता की कौन सी साजिश रचाई जा रही है। इंसाफ की मांग पूरे देश से उठ रही है। देश की हर माँ अपनी बच्ची को सीने से लगाए सो रही है कि कहीं अगली बारी उसकी बेटी की ना हो। मुबारक हो, मुबारक हो ऐसी आजादी जहां एक बेटी अपने ही देश में अपने ही कार्य क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है।